से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर। जी हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार बनाए रखे हैं और उम्मीद है कि आप प्यार बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स हम लोग मैथ्स में चैप्टर प्रॉफिट लॉस को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 120 तक ऑलरेडी देखे हैं, और यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप पीछे के वीडियोज़ में जाकर वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 121 से टू भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप चैनल में एंड तक बने रहें, और यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो आप इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को आगे की ओर लेकर चलते हैं। 121 से फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया कि विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जनरली प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी से देखा जाता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन होता है जिसमें प्रॉफिट या लॉस एसपी से लिखा रहता है। तो ऐसे केस में हम लोग एसपी को मानेंगे और हमेशा 100% मानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको 100% किसको मानना पड़ेगा, एसपी को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ, यानी कि प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, विक्रय मूल्य से हो रहा है। तो विक्रय मूल्य पे 30% का प्रॉफिट हो रहा था। फ्रेंड्स हम लोग एसपी को मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एसपी जो है 100% है। एसपी कितना फ्रेंड्स 100% है, मतलब 100 है। और यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स, प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा, तो प्रॉफिट हम लोग का एसपी से हो रहा है, यानी एसपी पर हम लोग का 30% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 100 में अगर 30% का अगर प्रॉफिट होगा फ्रेंड, 30% का अगर प्रॉफिट होगा, 30% का प्रॉफिट होगा, मतलब 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि यहाँ पे सीपी हम लोग कितना आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी सामान को हम 100 रुपया में हम बेचे और हमको 30 रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ, तो अगर यदि हम प्रॉफिट को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को सीपी आ जाएगा। और सीपी कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो ये 70 आ जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा, यानी क्रय मूल्य पर जो प्रॉफिट होगा वो कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है हम लोग का प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट बाय सीपी, क्योंकि हम लोग का सीपी से प्रॉफिट पूछा जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं सीपी प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। तो फ्रेंड्स यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉफिट हम लोग कितने का दिख रहा है, तो 20 का दिख रहा है। सीपी हम लोग कितने का है फ्रेंड, तो ये 70 का है। आप परसेंटेज के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग 100 से बोलेंगे, 0 0 कट जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 बाई 70, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 42/6/7%। ये हम लोग का फाइनली प्रॉफिट होगा, कहाँ से होगा, तो सीपी से होगा। मतलब हम लोग का पूछा जा रहा कि तो लिखा गया कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा। तो फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे प्रॉफिट किस पे बता रहा फ्रेंड, तो सीपी पे बता रहा। तो सीपी को हम लोग मानेंगे 100 है, और यहां पे हम लोग ये प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट कितने को हो रहा फ्रेंड, तो हमको दिया गया है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा, 20% का प्रॉफिट हो रहा। तो एसपी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि 100 रुपया में हम खरीदे हैं, 20 रुपया प्रॉफिट के साथ बेचे हैं, मतलब हमको एसपी कितना हो गया, तो 120 हो गया। तो हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, एसपी से पूछा जा रहा है। प्रॉफिट जो है वो एसपी का कितना प्रतिशत होगा, तो फ्रेंड बोल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर हम लोगों को क्या पूछा गया, तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा, यानी प्रॉफिट हम लोग कहाँ से पूछा जा रहा फ्रेंड, तो हम लोग का एसपी से पूछा जा रहा, मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कहाँ से, 120 से। और प्रतिशत के लिए हम लोग कहाँ देखेंगे, तो 100 हो जाएगा, मतलब 20 से काटेंगे 20 से 120 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 16.2% होगा। ये प्रॉफिट कहाँ से हो रहा फ्रेंड, तो ये हम लोग का एसपी से हो रहा। जनरली प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी से होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रॉफिट हमको एसपी से बताइए, इसलिए एसपी को हम लोग नीचे रखे और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए, मतलब 16.2/3% का प्रॉफिट होगा एसपी से।
23 इसमें लिखा गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का यानी एसपी का 40% है। एसपी का 40% मतलब 40/100 हो जाएगा, 40/100 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बोल सकते हैं यहाँ सीपी बाई एसपी, एसपी हम लोग का यहाँ से ये नीचे आ जाएगा बराबर, यहाँ पे ये 40 है, ये 40 है और यहाँ पे नीचे कितना है फ्रेंड, तो ये 100 है। मतलब सीपी हम लोग का 40 रुपया हो गया और एसपी कितना हो गया फ्रेंड, तो हम लोग का ये 100 रुपया हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है क्रय विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स कि विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है, एसपी जो है किसका, तो क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब हम बोल सकते हैं मेरे पास एसपी कितना है फ्रेंड, तो ये 100 है और सीपी कितना है, तो हम लोग का ये 40 है और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कट जाएगा फ्रेंड्स। और 4 से काटेंगे ये 25 बार में कटेगा, मतलब 25 और 0 यानी कि 250% का, 250% होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, तो एसपी जो है वह सीपी का 250% होगा जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे लिखा गया यदि विक्रय मूल्य दुगना हो जाए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोलते हैं यदि विक्रय मूल्य दुगना हो जाए, विक्रय मूल्य दुगना हो जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा बेसिक बना लेते हैं, बेसिक देखिए बेसिक क्या है, बेसिक को समझिए, इसके बाद आपको हम डायरेक्ट में भी बताएंगे। यहाँ पे लिखा गया कि यदि विक्रय मूल्य दुगना हो जाए, मान लेते हैं यहाँ पे माना कि सीपी जो है यहाँ पे सीपी जो है मेरा 100 रुपया है, सीपी कितना है 100 रुपया है, और यहाँ पे एसपी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 रुपये में बेचा गया, कितना बेचा गया फ्रेंड्स, 100 रुपये में बेचा गया, सीपी मेरा 100 है और 100 रुपये में बेचा गया, और जिससे हमको प्रॉफिट हो रहा, क्या हो रहा फ्रेंड, तो हम लोग ये प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे एसपी में अगर हम सीपी को माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट बताएगा, और हम बोलेंगे एक्स माइनस हंड्रेड ये मेरा क्या निकलेगा, तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा। आगे लिखा गया कि यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो जाए, मतलब यहाँ पे जो एक्स में जो बिक रहा सामान ये कितना में बिकेगा, ये दो गुना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग एसपी जो है वो 2x हो जाएगा, तब हमको प्रॉफिट कितने का दिखेगा फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि एसपी अगर हमको 2 गुना हो गया तब हमको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम कहाँ देखेंगे, सीपी से ही देखेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे प्रॉफिट जानने के लिए 2x में हमको 100 को घटाना पड़ेगा, तब क्या बताएगा फ्रेंड्स, ये मेरा प्रॉफिट बताएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया यदि एसपी को अगर दुगना किया जाता है, पहले का एसपी कुछ था, अब इसको दुगना किया जाता है तो लाभ जो है हम लोग का 3 गुना हो जाता है, मतलब ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये इसका 3 गुना हो जा रहा, क्या हो जा रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 गुना हो जा रहा है, पहले कुछ प्रॉफिट हो रहा था और अब जो प्रॉफिट कितना हो गया, 3 गुना बन गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो पहले का प्रॉफिट कितना था, x माइनस 100, और अब हम लोग का प्रॉफिट कितने का हो रहा फ्रेंड्स, 2x माइनस 100। लेकिन ये भी क्वेश्चन में लिखा गया कि विक्रय मूल्य दुगुना करने से लाभ 3 गुना हो रहा, विक्रय मूल्य अगर दुगुना हो रहा तो लाभ कितना गुना हो रहा फ्रेंड, 3 गुना, मतलब 3 गुना ये हो रहा। तो जब ये 3 गुना हो रहा तो बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए हमको इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बराबर हो जाएगा, यानी इसे x का वैल्यू निकालेंगे जो हमको एसपी कहलाएगा। इस तरह से हम लोग प्रॉफिट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 3x हो जाएगा, -300 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा हम लोग 2x माइनस 100 होगा, यानी इसको, इस x को फ्रेंड्स हम इधर ला रहे हैं, 3x में 2x अगर माइनस होगा तो हम लोग बचेगा x, और यहाँ पे ये माइनस 100 है, और ये -300 अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का ये +300, कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो +300 हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं x का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आया फ्रेंड्स ये कितना आया, तो हम लोग ये 200 आया, x का वैल्यू कितना आया, तो 200 आया, ये x का वैल्यू आया। मतलब हम लोग का एसपी जो है ये एसपी कितना है फ्रेंड, तो एसपी जो है वो हम लोग का 200 हुआ। अब देखिए एसपी आपका 200 हो गया और सीपी आपका कितना है 100 है, तो फ्रेंड्स आप बताइए कि यहाँ से यहाँ में हम लोग का प्रॉफिट कितने का दिख रहा, प्रॉफिट कितने का दिख रहा, तो 100 रुपया का दिख रहा, कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, हम लोग का 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा। और हम लोग जानते निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बना रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा
प्रॉफिट बाय सीपी, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा, 100 रुपए का हो रहा, और सीपी कितना है फ्रेंड, तो हम लोग का ये 100 है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी ये 100 और ये 100 कट जाएगा, मतलब 100% का प्रॉफिट होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, ये 100% का प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका है जो बेसिक प्रोसेस बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना, हम लोग इसको डायरेक्ट वे में भी बना सकते हैं। चलिए आप बने रहिए, आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स समझिए यहाँ पे, और मैं समझिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो जाए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सीपी जो है, सीपी जो हम लोग का ये 100 रुपया, सीपी कितना है 100 रुपया है, और यहाँ पे एसपी, एसपी कुछ भी मूल्य हो सकता है, कुछ भी मूल्य हो सकता है, यहाँ पे एसपी हमको पता नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन को हिट कर रहे, ऑप्शन को हिट कर रहे, ऑप्शन हिट, ऑप्शन हिट कर रहे, तो ऑप्शन आपके पास दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सीपी आप लोग का इतना है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एसपी जो है, एसपी जो है ना आपका एसपी, एसपी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 50 में है ना आपको जो है 150 रुपये में बेचा गया, कितना बेचा गया फ्रेंड्स, 150 रुपये में बेचा गया, तो 150 रुपये में अगर बेचा गया तो फिर आगे क्या लिखा गया, तो इस तरह से 150 रुपये में अगर बेचा गया तो आपको प्रॉफिट कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, प्रॉफिट कितने का दिख रहा, ये 50 का दिख रहा। अब बोलते हैं यदि जो है एसपी जो है दुगुना हो जाए, एसपी अगर दुगुना हो जाए, इसको अगर दो गुना अगर करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो गुना मतलब कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और अब यहाँ से अगर हम लोग प्रॉफिट अगर देखेंगे फ्रेंड्स, प्रॉफिट अगर देखेंगे तो हम लोग कितनी का हो रहा फ्रेंड्स, तो ये 200 का हो रहा। तो देखिए पहले का प्रॉफिट हो रहा था 50, और अब का प्रॉफिट कितना हो रहा 200, मतलब यहाँ से यहाँ कितना गुना हो गया फ्रेंड, ये 4 गुना हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि 3 गुना हो जाता है, यदि एसपी को अगर दुगुना कर रहा था प्रॉफिट 3 गुना हो रहा ना कि 4 गुना हो रहा, मतलब यहाँ पे ये वाला तरीका जो है, यानी कि हम लोग यहाँ पे 150 जो हम लोग लिए हैं एसपी, ये गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग चलिए फिर हम लोग दूसरा यहाँ पे यूज करते, चलिए समझिए यहाँ पे हम लोग फिर दूसरा मानते, मान लेते सीपी यहाँ पे है, और ये हम लोग का ये एसपी है, ये हम लोग का एसपी है, सीपी मान लेते 100 है, और इसको जो है हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसको 200 रुपए में बेचते हैं, कितना बेचते हैं फ्रेंड, 200 रुपए में बेचते हैं, तो 100 का चीज अगर हम 200 में अगर बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट कितने का होगा फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट कितने का होगा, बोलेंगे प्रॉफिट होगा हम लोग का 100 रुपए का होगा, कितने का होगा 100 रुपए का होगा। अब फिर बोला यदि एसपी दो गुना हो जाए, एसपी कितना हो जाता फ्रेंड्स, ये 2 गुना हो जाए, दो गुना अगर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग, ये 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड, 400 हो जाएगा, और आप देखिए यहाँ से आपको प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, तो प्रॉफिट हम लोग दिख रहा है 300 का, मतलब यहाँ पे 100 का चीज अगर हमको 400 में अगर बिक रहा, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है 300 का। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा, मतलब यहाँ पे हम लोग का पहले प्रॉफिट 100 रुपया हो रहा था, और हम लोग का प्रॉफिट अब 300 हो रहा, जो कि हमको क्वेश्चन में बोला है कि एसपी को अगर दुगुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट हम लोग का 3 गुना हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग सेटिस्फाइड क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सीपी मेरा 100 होगा और एसपी मेरा 200 होगा, यानी यही मेरा चीज होगा, यानी 100 रुपए का चीज हम 200 रुपए में बेचेंगे, तभी तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा, क्योंकि एसपी को अगर हम दुगुना कर दे रहे हैं तो हमको एसपी को दुगुना करने से हमको प्रॉफिट कितना गुना हो जा रहा, 3 गुना हो जा रहा, पहले 100 रुपया था 300 रुपया हो रहा, मतलब हमको 3 गुना हो रहा, मतलब ये मेरा सीपी कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, एसपी कहलाएगा। तो आप बताइए कि सीपी अगर ये है और एसपी अगर ये है, तो बताइए कि आपको प्रॉफिट कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट हमको दिख रहा 100 रुपए का, मतलब ये सही जा रहा, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, 100 रुपए का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू कितना होगा फ्रेंड, तो ये 100 होगा, यानी बोलेंगे हम लोग का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा, 100 का प्रॉफिट दिख रहा, और कहां से दिख रहा फ्रेंड, तो सीपी से दिख रहा, सीपी कितना है मेरा, सीपी है मेरा 100 है, और इनटू प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बोलेंगे फ्रेंड्स ये 100 कट जाएगा, मतलब फाइनली हम लोग का प्रॉफिट कितने का आ जाएगा फ्रेंड, तो ये 100% का प्रॉफिट होगा, और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। लिखा गया कि अशोक 20% कमीशन पर कुछ खिलौने खरीदकर उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है, और एक खिलौने का अंकित मूल्य 40 रुपए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अशोक जो है ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस दिया गया, एक खिलौना का मार्क प्राइस दिया गया 40 रुपए, और इसे कुछ छूट पर खरीदता है, इसे कुछ छूट पर खरीदता है, यानी लिखा गया कि 20% डिस्काउंट पर खरीदा, तो 40 रुपए का 20% डिस्काउंट अगर देखेंगे फ्रेंड्स, इसका 40 का 20% अगर देखेंगे तो ये हम लोग का 8 रुपए का छूट होगा, कितने का छूट होगा 8 रुपए का, मतलब वो खरीदा कितने में फ्रेंड्स, तो खरीदा है
₹32 में खरीदा, कितने में खरीदा है, ₹32 में खरीदा है। और फिर बोला गया कि और उसे एमपी पर बेच देता है, मतलब खरीदता है ₹32 में और बेचता कितना में है, बेचता फिर उसे ₹40 में। तो फ्रेंड्स यदि अगर हम ₹32 में हम सामान को खरीदेंगे और ₹40 में अगर हम बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट हम बोलेंगे हम लोग का ₹8 का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, ₹8 का प्रॉफिट होगा। लेकिन ₹8 का प्रॉफिट है वो एक पीस पर होगा, ये एक पीस पर ₹8 का प्रॉफिट होगा। ये जो प्रॉफिट हो रहा फ्रेंड्स, ये जो प्रॉफिट हो रहा ₹8 का जो प्रॉफिट हो रहा वो कितने पीस पर हो रहा था, एक पीस पे हो रहा। तो एक पीस पर हम लोग ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे लिखा गया कि टोटल ₹240 का बचत होगा, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट है वो ₹240 का हुआ है। तो पूछा गया है कितना खिलौना उसने खरीदा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ से अगर इसको हम लोग कट कर देंगे तो बोल सकते हैं 8 से काटेंगे 8 से 24, यानी कितना गुना दिख रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को ये 30 गुना दिख रहा। कितना गुना दिख रहा, तो 30 गुना दिख रहा। तो फ्रेंड्स इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, 30 गुना कर देंगे। 30 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, है ना, ये हम लोग का 30 पीस हो जाएगा। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि उसने 30 पीस खरीदा होगा, तब उसको टोटल ₹240 क्या हो रहा, बचत हो रहा। क्योंकि एक पीस पर उसको ₹8 का बचत हो रहा, तब टोटल ₹240 उसको बचत होने के लिए 30 पीस खरीदना होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। लिखा गया कि रूपा 2 साड़ी खरीदी जिसमें प्रत्येक साड़ी का अंकित मूल्य पर उसे 15% का छूट मिला। तो फ्रेंड्स ये रूपा जो है 2 साड़ी खरीदा, ये पहला साड़ी है, ये दूसरा साड़ी है, और दोनों पे उसे 15% का छूट मिलता है, दोनों पे 15% का छूट मिलता है। वह एक साड़ी को 20% के लाभ पर तथा शेष साड़ी को 15% के लाभ पर बेच देता है। यदि एक साड़ी का न्यूनतम मूल्य ₹1000 है, तो फ्रेंड्स इसका न्यूनतम मूल्य ₹1000 रखा गया। कितना रखा गया, तो ये ₹1000 रखा गया। और ये बोला गया कि दोनों साड़ी पर उसको 15% का डिस्काउंट मिलता है, दोनों साड़ी पर क्या मिलता है, तो 15% का उसको डिस्काउंट मिलता है। तो फ्रेंड्स 1000 का 15% कितना आएगा फ्रेंड, तो आएगा यहाँ पे ₹150। अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे, मतलब वो खरीदा कितना में, 850 में खरीदा है। और यहाँ भी यदि अगर हम लोग ₹150 अगर माइनस करेंगे तो खरीदा कितना में है, तो ये ₹850 खरीदा। आगे लिखा गया कि एक पर वह 20% का लाभ लेता है, यानी एक साड़ी पर उसने 20% का लाभ लिया। तो फ्रेंड्स इसका इस पर अगर 20% का अगर लाभ लेगा, तो 850 का 20% अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा 170। कितना आएगा फ्रेंड्स, 170 आएगा। और यदि अगर इसका दूसरे साड़ी पर बोला जाता है कि और दूसरे साड़ी है ना, और तथा से साड़ी को 15% के लाभ पर बेचा, यानी इसको 15% के लाभ पर बेचा जा रहा फ्रेंड्स, इसको 15% के लाभ पर बेचेगा, 15% के लाभ पर बेचेगा, तो 850 का 15% कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा 127.5 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 127.5 आएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा तो उसे दो साड़ी बेच कर कितने रुपए का लाभ हो। तो फ्रेंड्स यदि अगर दोनों साड़ी अगर बेच देगा, तो खरीदा है 850 में, और इसमें प्रॉफिट कितने को हो रहा, तो हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है ₹170 का, और इसको भी खरीदा है 850 में, लेकिन प्रॉफिट कितने को हो रहा, तो हो रहा हम लोग का ये 127.50 का। तो टोटल प्रॉफिट कितने हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल इसको क्या करेंगे, टोटल इसको एड कर देंगे, टोटल प्रॉफिट अगर हम बात करेंगे, टोटल अगर प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब हो जाएगा 0.5 इस तरह से, और यहाँ पे 7 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 7 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 2 हो जाएगा, मतलब 297.5 रुपया का प्रॉफिट होगा फाइनली। फ्रेंड्स 127 लिखा गया, एक बड़े कुछ फर्नीचर की सामग्रियां खरीद कर उसे ₹8 की दर से बेच दिया, और जिस कारण उसे ₹100 का हानि होता है। फ्रेंड्स लिखा गया कि एक बड़े जो है, यानी कि फर्नीचर की कुछ सामग्री जो है ₹8, यानी ₹8 पर पीस के दर से जो है वह बेचा, और इस प्रकार से जो उसको ₹100 क्या होता फ्रेंड्स, ये नुकसान होता। फिर बोला गया यदि वह दस रुपया पर पीस के हिसाब से अगर बेचता है, तो उसको ₹200 का क्या होता फ्रेंड्स, ये ₹200 का उसको प्रॉफिट हो जाता है।
तो हमसे पूछा जाता है तो बताएं कि वह कितनी सामग्रियां खरीदा था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको ये बताइए कि ये 8 रुपया के बजाय अगर वो 10 रुपया में अगर बेचता है, यानी कोई सामान है अगर 8 रुपया के बजाय अगर 10 रुपया में अगर बेचता है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा फ्रेंड्स? तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हम लोग का हो रहा 8 रुपया के बजाय अगर वो 10 रुपया में अगर बेचेगा तो प्रॉफिट जो हो रहा, प्रॉफिट जो हो रहा वो कितने का हो रहा? 2 रुपए का हो रहा। कितने का हो रहा फ्रेंड्स? ये 2 रुपए का हो रहा। लेकिन ये 2 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा ये कितना पीस पर हो रहा फ्रेंड? तो ये 1 पीस पर हो रहा। कितना पीस पर हो रहा? तो ये 1 पीस पर, क्योंकि 8 रुपया पर पीस था, ये 10 रुपया पर पीस है, यानी 1 पीस पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा 1 पीस पर। तो इस तरह से हमको टोटल प्रॉफिट अगर देखा जाए फ्रेंड, तो यहाँ पे 100 रुपया ये नुकसान हो रहा था और यहाँ 200 रुपया हमको प्रॉफिट हो रहा, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग डिफरेंस अगर देखेंगे, अगर अंतर अगर देखेंगे फ्रेंड्स, अंतर अगर देखेंगे, मूल्य का डिफरेंस अगर देखेंगे, ये कितने का आएगा फ्रेंड? तो यहाँ पे 300 का होगा। कितना का होगा? 300 का होगा। कैसे होगा? तो बोलेंगे 200 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे फ्रेंड्स? तो माइनस करेंगे हम लोग माइनस 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस प्लस हो जाएगा 100, मतलब फाइनली कितना हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ फाइनली हो जाएगा हम लोग 300, मतलब टोटल जो है 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो फ्रेंड 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ 1 पीस पर, तो बताइए कि यहाँ पे 300 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो कितने पीस पे होगा? तो यहाँ से यहाँ लोग कितना दिख रहा फ्रेंड्स? यहाँ पे हम लोग ये दिख रहा है 150 गुना दिख रहा। कितना गुना दिख रहा है? 150 गुना दिख रहा। यानी इसका भी यदि अगर हम लोग 150 गुना अगर करेंगे तो 150 पीस होगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। लिखा गया कि रहीम 21 रुपए में 3 केजी के भाव से आम खरीदा और 50 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। वह 102 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना आम बेचना चाहिए? तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या है कि मूल्य को एक साइड लिखेंगे। ऐसे प्रश्न में मूल्य को एक साइड लिखेंगे। मूल्य को एक साइड लिखेंगे। तो लिखा गया कि 21 रुपए में फ्रेंड्स यहाँ पे 3 केजी खरीदा। 21 रुपए में कितना केजी खरीदा? 3 केजी खरीदा है और 50 रुपए में 5 केजी के भाव से बेचा। और ये 50 रुपए में जो है ये 5 केजी के भाव से क्या किया फ्रेंड्स? ये बेचा है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये जो केजी है, जो क्वांटिटी है, ये हम लोग का बराबर नहीं है। लेकिन ऐसे केस में होना क्या चाहिए? तो क्वांटिटी हम लोग का बराबर होना चाहिए। आप बराबर करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड? तो कुछ नहीं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड? तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू हो जाएगा 5 और 5 गुना 10, यानी 105 रुपया में 105 रुपया में 15 केजी खरीदा। 105 रुपया में 15 केजी खरीदा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी कि 150 रुपए में 5 या 15 केजी क्या किया फ्रेंड्स? ये बेचा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि 15 केजी खरीदा, 15 केजी बेचा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट कितने का हो रहा? तो यहाँ पे ये आपका हो गया सीपी और ये हो गया आपका क्या, ये एसपी। 105 में खरीदा, 150 में बेचा, मतलब 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ 15 केजी पर। कितने का प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स? ये हम लोग का 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमको बोला जा रहा कि टोटल वह 102 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 102 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितना के है ना, तो उसे किस कितना आम बेचना चाहिए? तो फ्रेंड हम बोल सकते हैं कि चूंकि एक रिलेशन है कि 45 रुपए का प्रॉफिट 15 पीस पे हो रहा, 15 केजी पे हो रहा, इसलिए हमको 102 रुपए का प्रॉफिट कितना केजी पे होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर हम लोग कट कर देंगे, 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और 5 से काटेंगे ये 9 बार में कटेगा फ्रेंड्स, और 9 से फिर हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे 3 से 1 बार में और 3 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा फ्रेंड्स। यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा फ्रेंड्स? तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ 3 या 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी 34 गुना दिख रहा। 34 गुना दिख रहा। कितना गुना दिख रहा फ्रेंड्स? 34 गुना दिख रहा।
तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 34 गुना करेंगे। इसका यदि अगर 34 गुना करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 34 क्या आएगा, ये केजी आएगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। लिखा गया यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। फ्रेंड्स बोला जा रहा कि एक वस्तु का जो एसपी है, एक वस्तु का जो एसपी है वह सीपी का कितना है, तो लिखा गया सीपी का 4/3 गुना। सीपी का कितना गुना है, तो 4/3 गुना है। हमसे पूछा जा रहा तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं एसपी, हम बोल सकते हैं एसपी बाय सीपी इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा 4/3। यानी कि हम लोग खरीदारी कितना पड़ा फ्रेंड्स, तो 3 रुपये में खरीदे हैं और उसे 4 रुपये में बेचे हैं, तो फ्रेंड्स हमको क्या दिख रहा है, हम लोग का प्रॉफिट दिख रहा है। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है फ्रेंड्स, हम लोग का ये 1 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 1 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज यदि अगर हम लोग निकालेंगे तो बोलेंगे प्रॉफिट बाय सीपी और इनटू कितना हो जाएगा ये 100। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ फ्रेंड्स, 1 का हुआ, और सीपी कितना हो गया 3 हो गया, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, यानी आ जाएगा 33/1/3%, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन आज हम लोग 130 तक कंप्लीट किए, और आपको वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को इन तक देख रहे हैं मुझे मालूम है, और देखना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि हमेशा आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। बस आप भी दिल से थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों को वॉच करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड धन्यवाद।